भारतीय फुटबॉल संघ उपरु हटिला कटकणा। भारत में आयोजित हेब फिफा अंडर 17 महिला विश्वकप टूर्नामेंट। सर्वभारतीय फुटबॉल महासंघ उपरु निलंबन आदेश प्रत्याहार करिछि फिफा। फिफार ब्यूरो ऑफ काउंसिल तुरंत ही निलंबन आदेश को प्रत्याहार करने को निर्देश दी। फल भारत में होगा फिफा जूनियर महिला विश्वकप फुटबॉल समस्या हटे। आसंता अक्टोबर में भुवनेश्वर समेत देशर तीनोटि वेन्यू में टूर्नामेंट अनुष्ठित होगा। सर्वभारतीय फुटबॉल महासंघ ने तृतीय पक्षर मात्राधिक हस्तक्षेप दर्शाई फिफा संगठन को निलंबन कर एआईएफएफ दैनिक कार्यकलाप सुप्रीमकोर्ट द्वारा निजुक्त प्रशासकों कमिट द्वारा परिचालित होता। यह फिफा नियम विरुद्धाचरण दर्शाई निलंबन निर्देश जारी करता फिफा। सुप्रीमकोर्ट में यह मामलार शुणा चलता बेले एआईएफएफ निर्वाचन पर कोर्ट निर्देश देते। सेप्टेम्बर 2 में निर्वाचन पर कोर्ट धार्य करने निलंबन आदेश हटावा फिफा को अनुरोध करता एआईएफएफ। बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुशांत जोड़ी होती। सुशांत, फिफा वर्तमान बैन हटाई। देखंतु सिनमई, अगस्ट 15 तारीख में जिते बड़े सारा देश निजर स्वाधीनता दिवस पालन करता सेत गोटे खबर आसाला जहाँकि आम देशर अनेक क्रीड़ा प्रेमी को व्यथित करता। खबर टी तृतीय पार्टी अजथा हस्तक्षेप जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर फिफा। तेज 85 वर्षर जदि आप देखिए एआईएफएफ इतिहास प्रथम थर पर एआईएफएफ फिफा पक्ष बैन कर तेरे जदि गत जोटा कि निभावे गोटे जो गवर्निंग काउंसिल बैठक बसी फिफार से एक प्रकार निष्पत्ति एआईएफएफ जो कटकणाटी लागू करटकणाटी उठा जाती। सहित ये जो कटकणा उठा फल जोटा कि आशा आशंकला अक्टोबर 11-30 तारिख जाए जो 17 वर्षर कम महिला फुटबॉल विश्वकप भारत में हेब कि ना नहीं तेणु निजे कह एक प्रकार स्पष्ट हो जाए। अक्टोबर 11-30 जाए ये जो 17 वर्षर कम महिला फुटबॉल विश्वकप भारत में हेब तक सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो देशर तीनोटि भेन्यू रही तीनोटि भेन्यू मध्य गोटे रही भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम तेणु कलिंग स्टाडियम किसी मैच खेल। ता सहित सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ एआईएफएफ उपर बैन हटा पर यह स्वागत करती केंद्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर। ता सहित जोटा कि निष्पत्ति जहां दि जाए आदेश दि जाए जो दीर्घ दिन धरी जो गोटे जो इलेक्शन टी हो ना से इलेक्शन टू करने निष्पत्ति जाए। ता सहित जो नियम गुड़िक रही एआईएफएफ तार किसी संशोधन आईन आने को एक प्रकार निष्पत्ति सहित संशोधन आईन अणा जाए सेप्टेम्बर 2 तारीख में एआईएफएफ निर्वाचन होगी जहां पाखे सूचना मिली। ता सहित एआईएफएफ प्रेसिडेंट पदवी पर पूर्वतन भारतीय फुटबॉल अधिनायक बैजिंग भुटिया और पूर्वतन गोलकीपर कल्याण चौबे वर्तमान ये जो पदवी दौड़ में रही एक प्रकार सूचना मिली। निहतभावे अनेक क्रीड़ा प्रेमी अनेक फुटबॉल प्रेमी यहाँ गोटे खुशी खबर जो भी भाव आम भारत कह वर्तमान फिफा रैंकिंग आम 100 कह गए अचे कितु सबुले आम ट्राए कर भारत फुटबॉल दल एक प्रकार अनेक क्रीड़ा आप देखु क्रिकेट कथा कहतु किन्य क्रीड़े आम देश सफलता हासिल करते तेणु आशा रखुचे फुटबॉल केतले भारत फिफा खेल निहतभावे कह गए ये जो निष्पत्ति उठी निहतभावे कह गए अनेक फुटबॉल प्रेमी और अनेक युव फुटबॉल को एक प्रकार उत्साहित कर सहित आगू जो मेगा इवेंट गुड़िक आसूस आप देखी किसी दिन तले जोटा कि 20 वर्ष कम फुटबॉल चैंपियनशिप जो होता से जोटा कि कलिंग स्टेडियम खेला जाता से भारत चंपियन होता निहतभावे कौट ना कौट कह गए फुटबॉल आम धीरे धीरे भारतीय फुटबॉल प्रेमी कथा कहतु एवं फुटबॉल खिलाड़ी समस्त एक खुशी खबर जे अंडर 17 एथर फुटबॉल खेल भारत में आयोजित होब जहाँ वर्तमान समस्त मन में उत्साह देखा मिलू। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपणकर तमाम सूचना। आज एशिया कप टी20 टूर्नामेंट श्रीलंका अफगानिस्तान मध्यरे खेला उद्घाटनी मैच आसंता काली परस्पर को भेटिबा को जाउछंती पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान। चलित थर हांगकांग एकमात्र दल भाव क्वालिफायर मैच खेल अन्य दल मानक सात थरर विजेता भारत श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान रही आसंता मासरे टी20 विश्वकप पूर्व समस्त नजर एशिया कप उपरे रही। रोहित नेतृत्व में भारतीय टीम पड़िया को ओल्लैब सेपटे एशिया कप्रे दमदार प्रदर्शन करिथिबा विराट कोहली केएल राहुल को प्रदर्शन उपरे भारत निर्भर करिबो। पूर्व एशिया कप दिनिकिया फर्माट्रे खेला जाउथिबा बेले विगत 6 वर्ष होब यह टी20 फर्माट्रे खेला जाउछि।